पता नहीं उसे मुझसे क्या दुश्मनी है, क्या चाहता है वो, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बुरा वक्त टल जाएगा राम। हाँ लेकिन जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी अंजलि। अब तो ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर, कल घर की नीलामी है, The bidding begins. Minimum bid, 8 crores. 8 crores. 8 crores. 9 crores. 9 crores. 9.5 crore. 9.5 crores. 10 crore. 10 crores. 10 crores. 13 crores. Mr. Kapoor has magnanimously bid 15 crores. Thank you. 15 crores. 8. 15 crores. 20 crores. 20 crores. 20 crore. 20 crores. Ladies and gentlemen, the bid now stands at 20 crores. Do I hear any more bidders for this beautiful house? 20 crores. Any more bids? This beautiful house is being sold for 20 crores. 20 crores 1, 20 crores 2, 20 crores 3. Sold! Dijiye Malik. ये क्या कर रहे हो बबन मियां? अब हम मालिक नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? अरे जब तक ये सांस चलेगी तब तक आप ही हमारे मालिक हैं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं। हाँ। अरे मियां क्यों अपनी नौकरी खोते हो? अस्तगफिरुल्लाह, अरे आप पर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान भाईजान। आप ही ने हर जरूरतमंद की मदद की, हर बेघर को घर दिया। आप ही ने हमको सिखाया कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, और हम आपकी सिखाई हुई बात भूल जाए? चलिए भाईजान हमारे घर। नहीं, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। जिद मत करिए भाईजान, आपको हमारी कसम, तकल्लुफ मत कीजिए। अरे वो भी तो आप ही का दिया हुआ घर है। आइए आइए दुल्हन बेगम, आइए, आओ चलिए, आइए 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 भाईजान, आइए आइए बेबी जी, आइए आइए। गरीब का घर है छोटा सा, पर आप ही का है, आप इसे अपना ही घर समझिए बेबी जी। पप्पन भाई, मैंने कहा रखूं? यहां रख दीजिए। आइए आइए आइए, रख दीजिए यहाँ। अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, क्या बांट सके इंसान को? रख दीजिए बीबी जी। हे भगवान, भगवान। ये क्या, रोइए मत बीबी जी, मत रोइए, इन पर भरोसा रखिए। जिसने आपसे आपका घर छीना है वो कभी खुश नहीं रहेगा, कभी चैन नहीं पाएगा, वो हर दिन मरेगा, हर रात चलेगा।
देख देव उधर देख, तू कितना काला है वो कितना गोरा है, तू कितना गरीब है वो कितना अमीर है, तू आज भी बर्बाद है वो अब भी आबाद है। तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ओह हाय बेबी, लुकिंग कूल, स्मैशिंग, रियली थैंक यू। एंड नाउ अप। क्या ये तुम्हारी जगह नहीं है, उठो। ओके नो प्रॉब्लम्स, आखिर हम पार्टनर्स भी तो हैं। व्हाट डिड यू जस्ट डू? क्या किया तुमने? अच्छा लगा, मजा आया, बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि दिल करता है। मामा आप... क्या हुआ बाबा, तुम्हारा गाल इतना लाल लाल क्यों है? मच्छर ने काटा क्या? मच्छर हमारे ऑफिस में? मच्छर? हाउ डिस्गस्टिंग। बॉबी क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? जस्ट लीव मी अलोन मामा, माइंड योर ओन बिजनेस ओके बाब। And you? लगता है काफी जहरीला मच्छर था। जहरीली? क्या जहरीली? बैठो माँ जी, बैठिए, प्लीज टेक अ सीट। कैसे आना हुआ? शीतल वो जरा एक चेक काटना 10 लाख रुपए का। पर पिछले हफ्ते ही तुमने और बॉब ने 15 लाख रुपए का चेक लिया था ना? 15 लाख का? निकी तुमने मुझे बताया नहीं। What do you mean? अब हर चीज़ तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी क्या? This is ridiculous. And you're getting older, Mama. Don't chew my brains, okay? मेरा चेक तैयार कीजिए। Where's this Bob? Where the hell is he? Ridiculous. Utter rubbish. कमाल है ना? लंदन में रहने के बावजूद आज तक हमने अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और यहाँ की औलाद इस कदर बदतमीजी से पेश आती है। ऐसी बात नहीं है, सब औलाद एक सी नहीं होती। मेरा एक और बेटा भी है जो ऊंची आवाज में तो क्या, उसे निगाह उठाकर भी बात नहीं करता। कितना विश्वास करता था मुझ पर। और आपने क्या किया उसके साथ? थोड़ा सा भी विश्वास नहीं किया? क्यों? वो अपना नहीं था, सौतेला था। आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? आप इस डेट में इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? ये वो जमाना है माँ जी जब कभी कभी अपनी जान ले लेते हैं और पराये सौतेले काम आते हैं। सब संस्कारों की बातें हैं जो माँ बाप देते हैं,
अच्छे संस्कारों का असर हमेशा अच्छा होगा और बुरे संस्कारों का सब माँ बाप की जिम्मेदारी है, सब उन्हीं के हाथों में है। अंजलि, अंजलि, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी सही जगह पर आ गया हूं मैं। यह जगह तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी और दामाद की जगह है। ये कहां है वो दोनों? रास्ते पे ले आया हूं मैं उन्हें तुम्हारी बदौलत। क्या किया है तूने उनके साथ? ये मत समझना कि मैं बदतमीजी पे उधर आया हूं, लेकिन मेरे जूते के आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखिए और याद कीजिए कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत क्यों ठुकराई थी। क्योंकि मेरे पैरों पर कीमती जूते नहीं थे बल्कि गरीब की चप्पल थी, इसलिए क्योंकि मेरे बदन पर कीमती कपड़े नहीं थे, इसलिए मेरे जेब में माल नहीं था, इसलिए इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं, गेट आउट फ्रॉम हियर, आई सेड गेट आउट, आउट। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जो अपनी बेटी के लिए चुना, सही चुना। मां बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। ये बाप भी अपनी बेटी की तकदीर लिख चुका और उसकी तकदीर में तू ना कभी था और ना कभी होगा। एक बात और, तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। ससुर जी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा।